देखिए फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी कितनी यम्मी और मजेदार मंचूरियन बनाए हैं मैंने आज। और आप सोचिए मैंने किस चीज की मंचूरियन बनाए हैं। आप सुनोगे तो आप सोचोगे ऐसा भी होता है। जी हाँ, आज मैंने बनाए हैं पोहा मंचूरियन। और ये बनाना बहुत इजी है और खाना तो है ही टेस्टी टेस्टी और बहुत ही यम्मी है ये। और आपको खाने में पता भी नहीं चलेगा कि आपने पोहा की मंचूरियन बना के खाए हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना मज़ेदार है ना, यम्मी सा एकदम मस्त देखने में, खाने को मन कर रहा है ना। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा वाइट वाली तिल, इसे गार्निश करेंगे तिल से और ये देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो ये मैंने कैसे बनाए हैं आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी होगी। ये मैंने कैसे बनाए हैं मज़ेदार, वो भी पोहा की। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में, मैं आपकी अप्सरा। पोहा का मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए नॉर्मल से पोहा, जो मैं ले लूंगी कम से कम 1.5 कप। पोहा आप पतली वाली मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं, 1 कप। डेढ़ कप पोहा ले लिया मैंने। अब इसको अच्छे से धोएंगे हम, कम से कम 5 से 6 बार धोएंगे इसको। इसको धो लेते हैं पहले। ये देखिए हमने पोहा को 5-6 बार धो लिया है, अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसको पोहा को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पानी डाल के हमने इसको भिगा के रखना है। करीब मैंने इसमें आधा कप से थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है, कम डाला है सॉरी, आधा कप पानी लिया था मैंने। इसमें से अब 4-5 चम्मच पानी बच गए हैं। अब इसको हम कम से कम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, फिर हम बनाना शुरू करेंगे। पोहे को सोक करे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, इसमें काफ़ी अच्छे से पानी पी लिया है। ये देखिए हमारा पोहा होना चाहिए एकदम मैश होना चाहिए, जैसे ये मैश हो रहा है, ये बिल्कुल मैश हो रहा है, इस तरह से होना चाहिए। अब हम पोहा में डाल देंगे कुछ मैंने रखे हैं आलू को कद्दूकस करके, अच्छे से धो के रखे हैं मैंने इसको। एक आलू लिया है मैंने, इसको सारा डाल देते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ता, थोड़ी सी डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार। और मैंने रखी है 1/2 कप के करीब ब्रेड क्रम्स। ये ब्रेड क्रम्स आप घर पे भी बना सकते हैं। ब्रेड ले लीजिए, ब्रेड को थोड़ा सा हल्का सेक लीजिए तवा में, फिर आप इसको मिक्सी में पीस सकते हैं। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच करीब कॉर्नफ्लोर, ताकि इसको अच्छे से बाइंड करने में इसको मदद करेगा। ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। कई बार पोहा होता है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, अगर हम सब कुछ इसमें डालते हैं, मसाले वगैरह सब डाल के जब तैयार करते हैं तो ये अच्छे से बाइंड नहीं होता है। तो इसमें इस टाइप में आप क्या कर सकते हैं, 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, या फिर इसके जगह पानी की जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब ये हमने अच्छे से मिला लिया है, इसको अब हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। अब इसको छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जैसे आपको पसंद हो, छोटा बड़ा जैसे भी आप कर सकते हैं, इस तरह से छोटे छोटे करके गोल गोल। बहुत अच्छे से बन रही है। अब ये आप ये पोहा मंचूरियन जब एक बार बना के किसी को खिलाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा उनको कि ये किस चीज़ की बनी है। तेल हमारे अच्छे से गर्म हो चुकी है, अब हम डाल देंगे मंचूरियन बॉल्स को, जो ये वाले हैं जो हमने तैयार करके रखे हैं ऑलरेडी। चलिए डाल देते हैं इसको।
आंच को मैंने अभी मीडियम में रखी है। जितना एक बार में आएगा तब उतना डाल के आप फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं हमारे मंचूरियन। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कितना मस्त मस्त, एकदम कुछ भी नहीं हुआ है। आप जैसे ये पकना, जैसे ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो इसको आंच को हम तेज कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से कलर आ जाए, क्योंकि ये तो सब अच्छे से पके होते हैं। पोहा को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी नरम हो गया, हमने इसको अच्छे से मैश कर रखा है। और ये हमारा हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। गैस को हम ऑफ कर देते हैं। कितना मस्त लग रहा है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तेल हमने डाल दिया है, तेल हल्की सी गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे 5 से 6 लहसुन। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। आंच को मैंने धीमी रखी है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा सा कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च 5 से 6 बीन्स और थोड़ी सी पत्ता गोभी। सब्जी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मेरे पास यही सब्जी थी तो मैंने ये सब डाले हैं। अब इसको हल्का सा हम सॉटे कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमने 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से हमने लो फ्लेम में अच्छे से सॉटे कर लिया है। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टमाटर, जिसका मैंने अंदर से सारे पल्स निकाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया है। अब मैं कुछ सॉसेस इसमें ऐड कर दूंगी। चिल्ली सॉस डाल दूंगी करीब 1 चम्मच, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब में नमक होते हैं थोड़े थोड़े। और डालेंगे रेड चिल्ली सॉस करीब 1 चम्मच। एक चम्मच डाल देंगे विनेगर और 1 चम्मच डालेंगे सोया सॉस। टमाटर केचप डाल देंगे इसमें करीब 1 चम्मच करीब। मैं थोड़ा डालूंगी फ्लेवर के लिए पास्ता सॉस, ये अच्छा होता है। अगर है तो आप डालें, नहीं तो ये स्किप कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसको अच्छे से मिला लिया हमने और फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही कम रखा है। अब आंच को थोड़ा सा हम मीडियम फ्लेम में रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे, मैंने ये 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर वाटर लिया है और इसमें 1/2 कप वाटर है और 1.5 चम्मच आपका कॉर्नफ्लोर है, ये डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावल का आटा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ग्रेवी थोड़ा थिक हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा पानी। अब इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम में। हमारी ये मंचूरियन की ग्रेवी पक गई है ऑलमोस्ट। अब हम डाल देंगे इसमें मंचूरियन का बॉल। हम गैस को ऑफ करके ही बनाएंगे ताकि ये आपका क्रिस्पी क्रिस्पी रहे, क्योंकि इसको पकाना नहीं है।
बस ऐसे डाल देंगे और मिला लेंगे। अगर इसको हम पकाएंगे तो इसके क्रिस्पनेस खत्म हो जाएंगे, इसलिए अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। बस इसको मिलाना है, फिर हमारा मंचूरियन हो जाएगा डन। और देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में तो है ही टेस्टी। मैंने एक बार बना के खा चुकी हूँ, तभी ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है। क्योंकि मैं कुछ भी बनाती हूँ पहले मैं अपना फर्स्ट ट्राई कर लेती हूँ, अगर एक बार नहीं बनता है तो दो बार मैं ट्राई करती हूँ, उसके बाद अगर जैसे परफेक्ट रिजल्ट आता तो फिर मैं आपके लिए बनाती हूँ। ये हमने मिला लिया अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी रोस्टेड सेसमे व्हाइट कलर का ब्लॉक है, और थोड़ा सा रखेंगे गार्निश के लिए। इसको मिला लेते हैं, मेरे ये पोहा की रेसिपी हो गई आज की डन। आपको कैसा लगा तो जरूर मेरे वीडियो नीचे लाइक करना और कमेंट करना ना भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर से दोबारा मिलेंगे कुछ नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।